एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। मतलब कि आप बोल सकते हैं एक मेन टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जहां पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली प्रोसेस के ऊपर काम करता है। तो उसी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने का सिंक्रोनाइज वे से ऑर्गेनाइज करने के लिए ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो हम लोग मेन टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मतलब बहुत सारे अगर प्रोसेस आएंगे तो उसी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज वे से हम लोग सिंक्रोनाइज करके यूज़ करेंगे, ताकि सीपीयू उसका आइडल नहीं बैठे, सीपीयू उसका पूरा यूटिलाइज कर पाए। तो हम लोग देखते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। इट इज़ ए टास्क फेनोमेनन ऑफ coordinating the execution of process in such a way that number two processes can have access to the same shared data and resources। मतलब क्या है, देखिए हम लोग प्रोसेस को टू टाइप्स डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक है आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है, जो कोई भी शेयर कुछ भी शेयर नहीं करता। मतलब P1 जो प्रोसेस है वो किसी के दूसरा कोई प्रोसेस के साथ अपना मेमोरी, रिसोर्स, कोड कुछ शेयर नहीं कर रहा है। वो खुद से आ रहा है, एग्जीक्यूट होकर सीपीयू से निकल जा रहा है। सिमिलरली P2 एक प्रोसेस है, वो भी आपका मेमोरी, रिसोर्स, कोड कुछ भी वेरिएबल कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। तो ये खुद से एग्जीक्यूट होकर निकल जा रहा है सीपीयू से। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट कोऑपरेटिव जो प्रोसेस है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए हम लोग तो अभी मल्टी यूज़र प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर एक चीज़ फर्स्ट चाहिए। तो वहाँ पर देखिए सीपीयू कैसे यूज़ करता है। एक अगर यूज़र हो या फिर प्रोसेस को मान लीजिए, मल्टीटास्किंग जो प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस है आपका, एक प्रोसेस आ रहा है तो वो प्रोसेस एक साथ बहुत सारे P1, P2, P3 ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस अगर एक साथ आ रहा है, तो उसी प्रोसेस को आपका यूज़ करने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं। मतलब देखिए ये जो प्रोसेस है, ये खुद कुछ कोड, मान लीजिए खुद कोड या फिर मेमोरी या फिर रिसोर्स या फिर वेरिएबल, ये अपने आप में शेयर कर रहा है। मतलब कुछ कोड है जो P2 को ज़रूरत है, या फिर P1, P2, P3 हर एक में ज़रूरत है। मतलब कुछ कोड कॉमन है जो इस प्रोसेस के लिए या फिर इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। या फिर मान लो P3, P4 ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसके लिए मेमोरी, या फिर आपका रीड राइट के लिए लोकल जो मेमोरी है आपका, वो सब यूज़ करता है शेयर करने के लिए। या रिसोर्स में आपका प्रिंटर हो जा रहा है, स्कैनर हो रहा है, ये सब एक साथ यूज़ कर लें। लेकिन कोई एक साथ इसको यूज़ नहीं कर सकता, एक के बाद एक यूज़ कर सकता है। तो उसी ऑर्गेनाइज वे से यूज़ करने के लिए, मान लो पहले P1 यूज़ किया, उसके बाद P2 या फिर P4 ने यूज़ किया, उसके बाद P3 या फिर P2 यूज़ किया, इसी वे से यूज़ करने के लिए हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन वो किस प्रोसेस पे ऊपर होता है, सिर्फ कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए होता है। ये जो कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए होता है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ये जो कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए हम लोग क्यों सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ करना चाहिए। देखिए मान लीजिए एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, इस दोनों में से कुछ कोड कॉमन है। मान लीजिए ये प्रोसेस एक से एक वेरिएबल है जो यूज़ कर रहा है। अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं P1 एंड P2 टू प्रोसेस है, इस प्रोसेस पैरेलली रन कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ हम लोग यहाँ पर कोड लिखे हैं, उस कोड को P1 एंड P2 अलग से रन करेगा। तो जहाँ पर देखिए Z की वैल्यू हम लोग इनिशियल कर चुके हैं 4 से। अभी एक इंट x वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू है, हम लोग ले रहे हैं z, मतलब यहाँ पर इनिशियली हम लोग x की वैल्यू 4 कर रहे हैं। अभी x++ ऑपरेशन होगा जहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगा 5। अभी इस टाइम ये कोड स्लिप जो है आपका C लैंग्वेज का कोड, हम लोग सीपीयू तो यहाँ पर स्लिप नहीं होगा, इस प्रोसेस को हम लोग 2 सेकेंड के लिए, 2 मतलब 2 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड कुछ भी
समझ सकते हैं, मतलब मिनिमम हम लोग लेते हैं 2 सेकेंड के लिए ये प्रोसेस स्लिप हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, सीपीयू इनिशियल तो आइडल तो नहीं बैठ सकता, सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा तो उस टाइम सीपीयू ढूंढेगा दूसरा कोई प्रोसेस है या नहीं। अगर आप देखेंगे अगर कोई P2 प्रोसेस नहीं रहता तो उस टाइम सीपीयू 2 सेकेंड के लिए आइडल रहता, लेकिन हम लोगों के पास अभी P2 प्रोसेस है तो उस टाइम P2 सीपीयू को मिल जाएगा, वो प्रोसेस रन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो X की वैल्यू है वो हम लोग PCB में सेव कर देंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है हमारा, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम लोग C5 को सेव कर देंगे, मतलब ये लोकल वेरिएबल में हम लोग ये सेव कर चुके हैं। अभी P2 को हम लोग CPU देते हैं तो यहाँ पर भी CPU इस तरह से काम करेगा, W=Z, मतलब W की वैल्यू अभी 4 है, उसके बाद W प्लस ऑपरेशन कर रहा है, माइनस ऑपरेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर W माइनस ऑपरेशन कर रहा है, मतलब W से 4-1 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अभी उसके बाद ये थर्ड लाइन जब आएगा तो यहाँ पर भी स्लिप आपका दिया गया है, मतलब P2 प्रोसेस को हम लोग स्लिप कर दे रहे हैं, तो उसको थोड़े देर के लिए रेस्ट करने दे रहे हैं या फिर कुछ को रीड राइट प्रोसेस के लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग P2 को अभी रहने देते हैं। अभी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होने के बाद ये CPU फिर से P1 को वापस मिल जाएगा। अगर P1 को अगर वापस मिल गया तो क्या होगा, देखिए P2 अभी क्या करेगा, ये लाइन या फिर ये लाइन थर्ड लाइन को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने PCB में ये 3 लाइन हम लोगों का एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट लाइन को अगर एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब जेड में उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, या फिर 400 निकल कर 5 लास्ट में आ जाएगा। तो अभी देखिए 5 निकल आया, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, तो मतलब ये जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो गया तो पूरा जो जेड एक्स की वैल्यू है 5 वो मेन मेमोरी में सेव हो जाएगा। अभी देखिए फिर से CPU P2 के पास वापस आ जाएगा, तो P2 के पास ये लाइन एंड ये थर्ड लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी क्या होगा, ये लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होना बाकी है, तो ये लास्ट लाइन में जेड की वैल्यू क्या कर देगा, 3, तो उसके बाद ये प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने का मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट होगा तो ये जो प्रोसेस के जो वैल्यू है जेड की 3 वो हमारे मेन मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो अगर ये मेन मेमोरी में सेव हो गया तो अभी जेड की वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, 3, लेकिन हम लोगों के पास अभी रहना कितना चाहिए था, 4, क्योंकि 4 से हम लोग एक प्लस किए एक माइनस किए, तो अभी रहना कितना चाहिए, 4, लेकिन हम लोगों के पास जो है वो 3 आया है, ये रॉन्ग है। अगर हम लोग P2 को पहले एग्जीक्यूट करते उसके बाद P1 को एग्जीक्यूट करते तो देखिए क्या होता, हम लोग कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P2 को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते तो Z अभी 4 है, तो W की वैल्यू अभी 4 होता, उसके बाद अगर 4 से 1 माइनस होता तो उसके बाद 3 होता, उसके बाद स्विच होकर P2 के P1 के पास आ जाता, P1 से फर्स्ट में ही Z की वैल्यू मतलब X की वैल्यू 4 होता, उसके बाद X प्लस 1 होता मतलब 5 होता, उसके बाद फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर थर्ड लाइन में कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर P2 के पास आता, P2 में मेन जो Z की वैल्यू है वो सेव होता 3 में, मतलब आपके मेन मेमोरी में Z की वैल्यू 3 सेव होता, उसके बाद फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर P1 के पास आकर लास्ट लाइन में जो आपका यहाँ पर दिया गया था Z की वैल्यू X होता, मतलब यहाँ पर Z की वैल्यू X की वैल्यू 5 है तो Z की वैल्यू कितना आता, 5 आता। देखिए यहाँ पर भी अगर P2 को पहले रन करके हम लोग P1 को बाद में करते तो भी हमारा वैल्यू जो आता वो रॉन्ग आता, मतलब 5 आ रहा है, तो ये भी एक रॉन्ग है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं रेस कंडीशन। ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों के पास करेक्ट आंसर नहीं आकर रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेज कंडीशन।
इसी कंडीशन को दूर करने के लिए हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपका सीमाफोर, जो आपका काउंटिंग सीमाफोर या फिर आपका वाइनरी सीमाफोर होता है, कोई भी एक सीमाफोर यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपको प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके जो भी हर साल गेट में या फिर नेट में आ रहा है वो है आपका सीमाफोर। तो आज इतना ही, तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्यों ज़रूरी है, और इसी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को ठीक से यूज़ करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम लोग बाद में एक एक करके देखेंगे। और इसके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग आपके लिए बाद में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और भी ला सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।